हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋषभ। अभी हमारे सामने खड़ी 2024 किया सेल्टॉस। ये किया सेल्टॉस का एक्स लाइन वेरिएंट है, जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आता है। एक्स लाइन को जो सबसे अलग हटके बनाता है और रेगुलर किया से, वो है इसका कलर और 18 इंचेस के अलॉयज मिल जाते हैं। वो इस चीज़ को सबसे अलग बनाते हैं इसके कलर को लेकर, जो कि आपको मिल जाता है मैट में। वो सब चीज़ें इसको अलग बनाती है रेगुलर किया से। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सारे फीचर्स के बारे में, इंजन ऑप्शंस के बारे में, प्राइस के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले में इसकी की के साथ में। ऐसी कुछ हमें की देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको किया का लोगो मिल जाता है। इसमें आपको बटन्स मिल जाते हैं, वो आपको साइड में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको मिल जाते हैं लॉक अनलॉक का। इस बटन को होल्ड करने पर जो उसका इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। इस बटन को होल्ड करने पर जो उसका बूट है वो अनलॉक हो जाता है। स्मार्ट की ऑफर करी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। फ्रंट में आपको ऑल बैक में इसकी पूरी बड़ी सी ग्रिल देखने को मिल जाती है, जिस पर आपको DRL भी यहाँ तक ऑफर हो जाता है। ऊपर की तरफ इसका किया का बोनेट पर लोगो मिल जाता है। 360 डिग्री का फ्रंट कैमरा आपको यहाँ पर ग्रिल के अंदर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर का पियानो ब्लैक फिनिश में आपको यहाँ पे इंसर्ट भी देखने को मिल जाता है। और नीचे की तरफ भी इस तरफ इसके LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको क्राउन ज्वेल LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं विद DRL। जो DRL है वो कंटिन्यू होते हुए ग्रिल तक जाते हैं। नीचे की तरफ आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ और आप आते हैं यहाँ पे आपको 4 IQ फॉग लैंप्स भी ऑफर हो जाते हैं, जो कि आपको व्हाइट LED में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह रेडार का, यहाँ पे एडास का रेडार भी मिल जाता है। और जो उसका एडास का कैमरा आता है वो आपको उस तरफ देखने को मिल जाता है। जितने भी इसमें आपको एडास के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं या उनके डिटेल में जो बात करेंगे, वो हम अंदर बैठ के बात करेंगे एक एक फीचर के बारे में। जो इसके फ्रंट की स्किड प्लेट मिल जाती है वो आपको पियानो ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाती है। 4 फ्रंट पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब हम चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल पर। साइड में से ओवरऑल ऐसी कुछ लगती है। एक्स लाइन में जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलता है, पहले तो मैंने आपको बता दिया कि कलर का मिल जाता है। इसमें आपको मैट कलर ऑफर करा जाता है इस तरफ यहाँ पे पूरी बॉडी पर ही। और जो साइड में आपको मिल जाते हैं उसमें आपको 18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, जो कि आपको रेगुलर किया सेल्टॉस में देखने को नहीं मिलते हैं। जिनकी प्रोफाइल है 215/55R18 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर में आपको डिस्प्ले को ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पे इसके ऑल ब्लैक में इसके पूरे ORMs आ जाते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। 360 डिग्री का साइड कैमरा आपको इस तरफ ऑफर करा जाता है। ORMs को फोल्ड अनफोल्ड और इसके मिरर को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। इस फी पे आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्रोम लाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि पूरे एंड तक जाती है। यहाँ पे आपको बॉडी कलर में डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, जो कि मतलब मेरे बेसिकली आपको मैट में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉइल सेंसर मिल जाता है। रिकॉइल सेंसर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलता है, जो कि मिल जाता है आपको ड्राइवर साइड डोर पर। ऊपर की तरफ आपको रूफ रिल्स भी ऑफर हो जाते हैं। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाती है रूफ रिल्स के अंदर भी। रियर वाले टायर पे भी आपको डिस्प्ले को ऑफर करे जाते हैं। अब हम चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल पर। रियर में से ओवरऑल ऐसी कुछ लगती है। पूरे मैट फिनिश में आपको काफ़ी बेहतरीन लुक आती है इस गाड़ी की, जो कि मैट तो बेसिकली हर गाड़ी पे ही जच जाता है। बस इसका जो कलर है और जो मैट का कलर है वो काफ़ी यूनिक लगता है इस गाड़ी के अकॉर्डिंगली। अब हम बात कर लेते हैं इसके रियर प्रोफाइल के। रियर में से जो सबसे बड़ा आपको चेंज देखने को मिलता है वो आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स का मिल जाता है। ऊपर की तरफ इसका शार्क फिन एंटीना आ जाता है। यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाता है ऑल ब्लैक में, पियानो ब्लैक फिनिश में। स्टॉप लाइट मिल जाती है। विंडशील्ड पर आपको डिफॉगर और वाइपर दोनों देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टेड टेल लाइट्स मिल जाती है किया का लोगो। नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे आपको रियर कैमरा ऑफर हो जाता है। अगर इनके टेल लाइट्स की बात करिए, यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट मिल जाती है, LED स्ट्रिप मिल जाती है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, जो रिवर्स करने की लाइट है वो आपको नीचे दी गई है। यहाँ पर 2 रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। जो इसके रियर की स्किड प्लेट है वो भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको रियल एग्जॉस्ट मिल जाते हैं, जो कि इसको स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं दोनों के दोनों। यहाँ पे आप यहाँ पे भी मिल जाता है और यहाँ पे भी मिल जाता है, जो कि इसके लुक को और स्पोर्टी प्रोवाइड करते हैं। या ऐसी कुछ लगती है ओवरऑल रियल में से। अब हम चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिल जाता है, जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको 477 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज मिल जाती है और यहाँ पे भी। यहाँ पे आपको सबवूफर मिल जाता है, जिस पे आपको बॉस की ब्रांडिंग देखने को नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से बॉस का भी नहीं है अला सबवूफर। और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, पार्सल ट्रे मिल जाती है, जो उसका स्पेयर टायर है आपको उसके नीचे देखने को मिलता है ये वाला। जिसकी प्रोफाइल है, इसकी प्रोफाइल किधर है, जो कि आपको छोटे साइज़ का ही मिलता है मेरे हिसाब से तो, पर जो हाँ छोटे 215/60R17 17 इंचेस का मिलता है इसमें आपको रिम। और इसमें आपको अलॉय ऑफर नहीं करा जाता है, स्टील रिम में ही देखने को मिलता है। और साइज़ भी छोटा देखने को मिलता है इसमें आपको। इसको कर देते हैं बंद। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में आपको क्या क्या एडिशनल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं वो सब के बारे में बात करेंगे। एक्स लाइन की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इंटीरियर में वही डोर मिल जाते हैं मैट में यहाँ पे।
डुअल टोन में आपको पूरा इंटीरियर देखने को मिलता है, ब्लैक एंड ये ग्रे कलर में देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। और यहाँ पे बात करी जाए डोर की, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है ग्रे कलर में, यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे आपको सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है, ट्विटर्स मिल जाते हैं, बॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, वाटर होल्डर कुछ सामान रखने के लिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरफ के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं पावर विंडो के। जो पावर विंडो मिलती है वो चारों के चारों आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिल जाती है, चाइल्ड लॉक, लॉक एंड अनलॉक करने के लिए इस तरफ इसकी और के कंट्रोल आते हैं। अगर सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए, इसमें आपको 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, जो कि आप सीट्स को 8 वे इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप का, हेड्स अप डिस्प्ले का बटन आ जाता है इसके रिलेटेड, यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर और एसी वेंट्स मिल जाते हैं। अब हम आ चुके हैं एक्सलेंट वेरिएंट के अंदर। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी प्रीमियम ज़्यादा देखने को मिल जाती है और काफ़ी एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं इसके स्टीयरिंग व्हील पे। स्टीयरिंग व्हील पे आपको इस तरफ जो ये एलई कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारे के सारे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के रिगार्डिंग मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पे आपको वॉइस कमांड मिल जाता है, मोड्स के मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको वॉल्यूम के, चैनल्स के, कॉल के, यहाँ पे आपको फेवरेट्स के मिल जाते हैं आपको कंट्रोल। जो ये वाले कंट्रोल्स मिल जाते हैं यहाँ पे आपको इसके रिलेटेड मिल जाते हैं, क्रूज के रिलेटेड और एडास के रिलेटेड आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और जो ये वाले कंट्रोल्स मिल जाते हैं ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के रिगार्डिंग मिल जाते हैं। और इस तरफ इसके ऑटोमेटिक वाइपर्स की कंट्रोल्स आते हैं और इस तरफ इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स की कंट्रोल आते हैं। जैसे कि ऑटोमेटिक कार है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर हो जाते हैं, माइनस और ये प्लस का। अगर स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करी जाए, यहाँ से आप इसका लॉक हटा सकते हैं, ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन के साथ मिल जाता है। लगा देते हैं इसका लॉक, फुली डिजिटल में इसका पूरा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको फुल यहाँ पे डिजिटल में स्पीड पता चल जाती है और डिजिटल में ही आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है, कनेक्टेड डिस्प्ले के साथ मिल जाती है, यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का आपको डिजिटल में मिल जाता है कनेक्टेड वो भी। इस तरफ यहाँ पे इसका फ्यूल का पता चल जाता है, टेम्परेचर का, टोटल किलोमीटर्स, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, कौन से गियर पे है उस चीज़ का पता चल जाता है, आइडल स्टार्ट स्टॉप ऑन है ऑफ है, यहाँ पे टोटल किलोमीटर्स पता चल जाता है, यहाँ पे इसका इंजन टेम्परेचर आ जाता है, यहाँ पे आपको पता चल जाता है इसकी रेंज शो हो जाती है। इसके जो ये कंट्रोल्स है एमआईडी के वो आप इन बटन से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर देता हूँ, यहाँ पे आप आते हैं, बैक हो जाते हैं यहाँ से, यहाँ पे आपको ड्राइवर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितने घंटे चलिए, कितने टाइम चलिए और कितनी एवरेज दी है, उसके रिलेटेड सिंस रिफ्यूलिंग का मिल जाता है, नीचे एक्यूमुलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, ऑटो स्टॉप का पता चल जाता है और नीचे आपको यहाँ पे डिजिटल में भी स्पीड पता चलती रहती है। इसके नीचे अब यहाँ बैक हो जाते हैं, नेक्स्ट आप आते हैं नेविगेशन मिल जाती है यहाँ पे, इसके नीचे और आप आते हैं बैक होने पे टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम मिल जाता है। जैसे कि आपको एक्सलाइन वेरिएंट में आपको हेड्स अप डिस्प्ले भी मिल जाती है, उसका बटन आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है, इसको बंद एंड क्लोज करने का, ये आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाती है, जिस पे आपको स्पीडोमीटर, इसके स्पीड लिमिट, एडास के फीचर्स, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो करती रहेगी। जैसे अभी मैं शो फोकस करके दिखा देता हूँ इस पर, जैसे आपको यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, एडास के कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, वो सब चीज़ें आपको यहीं पे शो करती रहेंगी हेड्स अप डिस्प्ले पर। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको बटन को प्रेस करके इसको बंद भी कर सकते हैं और यहाँ से ही आप इसको ओपन भी कर सकते हैं हेड्स अप डिस्प्ले को। सेल्टॉस में आपको लेवल 2 एडास मिल जाता है, जिसमें आपको 17 एडास फीचर्स मिल जाता है, जैसे कि फ्रंट कोलिजन वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, हाई बीम असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट माउंटिंग सिस्टम, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीप असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट। और इस तरफ इसका 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, जो कि सपोर्ट करता है वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले, यूएसबी, ब्लूटूथ रेडियो। और ये अभी इसकी होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पर आपको सब कुछ शो करता है, जैसे टाइम, डेट, एफएम कौन सा है और उसके रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ शो करता है। जैसे आप इसको स्लाइड करता है यहाँ पे आपको टैबलेट ओपन हो जाता है, यहाँ पे आपको नैप, मैप, नेविगेशन, फोन, वॉइस मेमो, क्लाइमेट का वैलिड मोड मिल जाता है और यहाँ पे रेडियो, मीडिया, सेटिंग यहाँ पे आप आते हैं कि यह कनेक्ट और मैनुअल के भी आपको इस तरफ कनेक्शन मिल जाते हैं। क्लाइमेट पे आप जाते हैं, जो भी आप इसके एसी के कंट्रोल्स हैं सारे के सारे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के, वो आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम से ही, जैसे टेम्परेचर बढ़ाना हो, फैन स्पीड चेंज करनी हो, मोड चेंज करना हो, उससे रिलेटेड आप सारे के सारे यहीं से चेंजेस कर सकते हैं। बैक हो जाते हैं, जैसे आप इसकी सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में आपको व्हीकल सेटिंग, नेविगेशन सेटिंग, फोन से रिलेटेड इसके सारे सेटिंग्स मिल जाती है, लेआउट, डिस्प्ले, बटन और जनरल। जनरल में आप जाते हैं, जनरल में आपको क्या क्या सेटिंग देखने को मिल जाती है, जनरल पे इसके सिस्टम की इंफॉर्मेशन, डेट, टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, यूनिट, ये सब चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। व्हीकल में आप आते हैं, व्हीकल में आपको कौन कौन सी सेटिंग देखने को मिल जाती है, क्लस्टर, क्लाइमेट, लाइट, डोर, कन्वीनियंस, उसके रिलेटेड आपको यहीं पर आपको सब कुछ पता चलता रहता है, पार्किंग सेफ और उसके रिलेटेड ड्राइव सेफली और ये सब चीज़ें आपको यहीं पर पता चलती रहती है।
यहाँ से बैक हो जाते हैं। नीचे की तरफ आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल होता क्या है, जो इसमें ये जो अलग अलग आप देख रहे हैं टेम्परेचर का, आप दोनों साइड का अलग अलग टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये वाला टेम्परेचर आपको इस तरफ वाले का मिल जाता है, और जो ये वाला टेम्परेचर आप ड्राइवर साइड वाले का चेंज कर सकते हैं। और यहीं पर आपको सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं सारे AC, और यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके डिफॉगर के, फ्रंट डिफॉगर, रियर डिफॉगर, सर्कुलेशन का बटन, मोड मिल जाता है। यहाँ पर आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है जहाँ पर आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल के दोनों टेम्परेचर शो करेंगे। यहाँ पे आपको मोड मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फैन स्पीड भी मिल जाएगा। और यहाँ पे इसका ऑफ का बटन आ जाता है, ऑटो का बटन, AC का, यहाँ पे फैन स्पीड को तेज या कम करने के लिए, यहाँ पे इसका टेम्परेचर का बटन आ जाता है। और जो ये वाले कंट्रोल्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के मिल जाते हैं रिगार्डिंग शॉर्टकट कीज। यहाँ पे जैसे ट्यूनिंग का मिल जाता है, चैनल चेंज करने के लिए उसके रिलेटेड सेटअप, मीडिया, रेडियो, फेवरेट्स के, नेविगेशन के, मैप के, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का भी बटन देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ आप आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है आपको इस तरफ, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी स्टोरेज है, इसी में आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पोर्ट, USB का और फास्ट चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक गियर नॉब मिल जाता है, पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव। यहाँ पे आपको दोनों के दोनों फ्रंट की जो दोनों सीट्स है वो आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ मिल जाती हैं। इसमें भी आपको 3 लेवल ही देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 3 लेवल की AC की जो इसकी वेंटिलेटेड की हवा है वो आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का भी बटन मिल जाता है और ड्राइव मोड भी मिल जाते हैं। जो भी आप ट्रैक्शन मोड चेंज करते हैं या ड्राइव मोड चेंज करते हैं, वो सारे के सारे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर शो करेगा सब कुछ। जैसे अभी मैं करता हूँ यहाँ पे, आपको जैसे आप आते हैं यहाँ पे, अभी इस ड्राइव मोड्स में रहें तो यहाँ पे अभी स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। जो जो आप ये सारी चीज़ें चेंजेस करते हैं, जो इसका पूरा लेआउट है वो भी आपको पूरा टोटली चेंज देखने को मिल जाता है। और इसके स्पोर्ट मोड में भी आपको, जैसे आप आते हैं यहाँ पे, आपको रेड कलर का एक्सेंट देखने को मिल जाता है, जो कि इसको स्पोर्टी लुक ज़रूर प्रोवाइड करता है। यहाँ पे और नीचे आप आते हैं इको मोड में जाता है तो उसका कलर थोड़ा ब्लूइश सा हो जाता है। नॉर्मल मोड पर आप आते हैं तो यहाँ पे इसका नॉर्मल आ जाता है। जैसे आप इसको आप चाहते हैं कि ड्राइव मोड से हटकर ट्रैक्शन मोड पर आ जाए, तो आपको इस वाले बटन को एक बार प्रेस करना होता है। तो ये प्रेस करने से अब ये ट्रैक्शन मोड पर आ चुका है। ट्रैक्शन मोड में आपको 3 मोड्स ही मिलते हैं, ट्रैक्शन मोड में, यहाँ पे स्नो, मड एंड सैंड, यहाँ पे आपको ये 3 मोड्स मिल जाते हैं। और वही सारी चीज़ें आप इन बटन से चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ट्रैक्शन मोड से फिर से ड्राइव मोड पे जाना है, तो आप एक बार इसको फिर से क्लिक करके ये फिर से स्पोर्ट, इको, नॉर्मल, ये सब चीज़ें वापस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को ऑन ऑफ करने का बटन मिल जाता है, 360° कैमरे को व्यू करने का मिल जाता है। जैसे आप इस वाले बटन को क्लिक करते हैं, यहाँ से इसका कैमरा ओपन हो जाता है 360° कैमरे का। चाहे तो आप इसका टोटल ओवरऑल व्यू भी देख सकते हैं, यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस करके। यहाँ पे आपको एंगल्स का शो करता है, यहाँ पे फ्रंट कैमरा जैसे अभी ऑन है तो यहाँ से आप इसका साइड कैमरा देख सकते हैं, यहाँ से इसका टोटल आगे का ओवरऑल व्यू देख सकते हैं, फ्रंट कैमरा, यहाँ पे इसका साइड कैमरा आ जाता है, यहाँ पे इसका रियर कैमरा आ जाता है। इससे रिलेटेड आपको सेटिंग्स भी देखने को मिल जाती है, ये सब चीज़ें, इतने कुछ इसकी कैमरे की क्वालिटी मिल जाती है, आप देख सकते हैं इतना ही कुछ मिलता है। वैसे काफ़ी क्लियर मिल जाता है आपको टोटल। और नीचे की तरफ आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, जिसका आपको यहाँ पे ये भी मिल जाता है कवर भी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं विद ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। आर्मरेस्ट विद सम स्टोरेज मिल जाती है। और इस तरफ इसका ग्लव बॉक्स आ जाता है, इतनी कुछ आपको स्टोरेज देखने को मिल जाती है, ठीक ठाक डिसेंट सी मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाती है। ऊपर की तरफ और आप आते हैं, यहाँ पे आपको सनवाइजर मिल जाता है, विद इस पे आपको टिकट होल्डर मिलता है, मिरर और लाइट आपको ऑफर नहीं करी जाती है। सनग्लास होल्डर मिल जाता है इतने। यहाँ पे कैबिन लाइट्स आपको वाइट LED में मिल जाती है। इस तरफ इसके पैरानोमिक सनरूफ के कंट्रोल आते हैं। पूरी जो आपको छत है वो आपको ऑल ब्लैक में देखने को मिलती है। सनग्लास इसको तो बंद ही कर देते हैं, बस ब्लाइंड को खोल के रखते हैं। इतनी कुछ आपको पूरा ब्लैक देखने को मिलती है, पूरी रूफ और काफ़ी वाइड ओपनिंग के साथ सनरूफ खुलती है। और यहाँ पे इसका सनवाइजर आ जाता है, जिसपे आपको मिरर मिलता है, बट लाइटिंग देखने को नहीं मिलती है। इस तरफ इसका ऑटोमेटिक डिमिंग एयरवेम आ जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है डे एंड नाइट के अकॉर्डिंगली। अब मैं ड्राइवर वाली सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर देखते हैं रियर में कितना स्पेस है। अब हम आ चुके हैं इसके रियर डोर पे। रियर डोर भी आपको पूरा डुअल टोन में देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ब्लैक में आपको हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाता है ग्रे कलर में। यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाता है, जो पावर विंडो का कंट्रोल है ऑटो अप एंड ऑटो डाउन फंक्शन साथ मिल जाता है। डोर ओपनर मिल जाता है सिल्वर में। यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाती है। बॉस के स्पीकर्स मिल जाते हैं। वाटर होल्डर को सामान रखने के लिए मिल जाते हैं। सन ब्लाइंड्स भी मिल जाते हैं आपको रियर वाले डोर वाले दरवाजों के ऊपर। यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर में। इंटीरियर में भी आपको काफ़ी फीचर्स मिल जाते हैं आपको रियर साइड पे भी। जैसे कि आपको पहला मिल जाता है यहाँ पे आपको
टू एसी वेंट्स मिल जाते हैं, नीचे की तरफ आपको टू टाइप सी के दो पोर्ट मिल जाते हैं, कुछ स्टोरेज मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्मार्ट प्योर एयर मिल जाते हैं, एयर प्योरीफायर भी मिल जाता है, यहाँ से ही आप इसको ऑन कर सकते हैं, यहाँ से आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं और डिस्प्ले की भी ब्राइटनेस है वो आप यहीं से कम कर सकते हैं। मोड्स में आपको इसका क्या मिल जाता है, फैन स्पीड को कम तेज करने का, यहाँ पे अभी जैसे ऑटो पे हो चुका है, यहाँ से कम यहाँ पे बढ़ती जा रही है फैन स्पीड इसकी, और यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस का, यहाँ से डिस्प्ले पे आप इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम में भी ये अलग कंट्रोल मिल जाता है कि आप जो रियर पैसेंजर है वो इसके साथ छेड़खानी ना करे तो आप इसको वहीं से ऑफ भी कर सकते हैं, ड्राइवर है जो, यहीं से हम इसको ऑफ कर देते हैं। जो सीट बेल्ट है वो आपको हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेबल मिल जाती है। पूरी की पूरी रूफ आपको ऑल ब्लैक में देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको पैरानोमिक सनरूफ भी मिल जाती है, कैबिन लाइट्स मिल जाती है, वाइट एलईडी ग्रैब हैंडल भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपका सन ब्लाइंड्स ऑफर हो जाते हैं, और इस तरफ भी रियर वाली सीट पे आपको आर्मरेस्ट ऑफर हो जाता है विद टू कप होल्डर्स, और रियर वाली सीट को आप 60-40 रेशो में स्प्लिट भी कर सकते हैं, ये 40% और ये 60%। टोटल आपको 5 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, फ्रंट के 2 और रियर के आपको 3 एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, ये भी आपको एडजस्टेबल ही मिल जाता है, और 3.8 सीट बेल्ट भी मिल जाती है जो थर्ड पैसेंजर वाली सीट बेल्ट है वो आपको इस तरफ देखने को मिल जाती है। अगर स्पेस की बात करी जाए, मेरी हाइट 5'7" है और ये वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेबल है, तो आप देख सकते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली होकर, काफ़ी ज़्यादा लेग रूम और काफ़ी ज़्यादा हेड रूम है मेरे पास, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबली होकर आराम से बैठ सकता हूँ। मतलब इस हाइट के अकॉर्डिंगली मेरे लिए 5, जैसे मेरी हाइट 5'7" है तो मैं आराम से बहुत कंफर्टेबली होकर आराम से बैठ सकता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके इंजन स्पेक्स के बारे में। किया सेल्टॉस में आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोल एंड डीजल वाला। जो भी हमारे सामने खड़ा है डीजल इंजन वाला है, इसके इंजन स्पेक्स की बात करी जाए, इसमें आपको 1500 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 114 bhp की और मैक्सिमम टॉर्क 250 न्यूटन मीटर की। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस के बारे में। किया सेल्टॉस का एक्स लाइन वेरिएंट है जो कि इसका टॉप लाइन वेरिएंट आता है, इसका एक्सशोरूम प्राइस है 20,30,000 रुपए और ऑन रोड प्राइस है 23,90,000 रुपए। ये था किया सेल्टॉस एक्स लाइन का रिव्यू। आपको गाड़ी कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द नई वीडियो में, थैंक यू सो मच।